हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई बीएल लव बाय चांस के एपिसोड 13 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिस ना करें। वो पॉन्ड और एस से पूछती है कि वो दोनों सेमेस्टर ब्रेक में क्या करने वाले हैं। पॉन्ड कहता है कि वो दोनों बीच घूमने जा रहे हैं। पॉन्ड ए से पूछता है कि क्या पीट भी जाने वाला है। ए मना करके कहता है कि पीट वहाँ किसी को नहीं जानता है, इसीलिए वो वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील करेगा। पॉन्ड कहता है कि उसे पता है ए उसे सन के कारण नहीं जाने दे रहा है। तभी वहाँ पे कैन आता है। पॉन्ड सेमेस्टर एंड होने की खुशी में कैन को सेल्फी लेने को कहता है। तार को उदास देख कर तम पूछता है कि उनकी माँ कहाँ है। तार कहता है कि वो ऑफिस जा चुकी है। तम कहता है कि उसे तार से कुछ पूछना है। तार बहाना बनाकर चला जाता है। तम गुस्सा होकर तार के रूम के दरवाजे पर नॉक करता है। तार जब कुछ नहीं बोलता है तो वो अंदर आ जाता है। तार कहता है कि तम बिना परमिशन के अंदर क्यों आया। तम कहता है कि वो उससे कुछ बात करना चाहता है। तार उसे बाहर जाने को कहने लगता है। तम कहता है कि उसे पता है कि तार के मन में ज़रूर कुछ चल रहा है, पर वो उसे बता नहीं रहा है। तार कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तम कहता है कि वो बस तार की हेल्प करना चाहता है। तार कहता है कि तम उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तार उसे जाने को कहने लगता है। तम गुस्सा होकर कहता है कि तार टाइप और थान को सारी बातें बताता है, पर उसे क्यों नहीं बता सकता। तम को लगता है कि तार अभी भी थान से प्यार करता है। तार कहता है कि वो बकवास ना करे। तम तार पर गुस्सा होकर कहने लगता है कि भले ही तार थान के पास जाना चाहता हो, पर थान तार को कभी भी नहीं अपनाएगा। तम गुस्सा होकर तार के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तार गुस्सा होकर उसे थप्पड़ मारता है और कमरे से निकाल कर कमरा लॉक कर लेता है। तार रोते हुए कहने लगता है कि तम को तो कुछ पता भी नहीं है। शाम में तार को टेबल पर डिनर रखा मिलता है और उसके साथ एक नोट भी मिलता है। नोट में तम ने लिखा होता है कि वो सॉरी कहना चाहता है उससे, और उसे वो सब नहीं करना चाहिए था। तार रोने लगता है और कहता है कि तम को उसके जैसे इंसान को प्यार नहीं करना चाहिए। कैन तुल के बारे में न्यूज़ पढ़ रहा होता है जिसमें तुल की तारीफ लिखी होती है। कैन गुस्सा होकर कहने लगता है कि तुल जैसे फेक इंसान को वो बहुत मारना चाहता है। तिन कैन को मैसेज करता है, पर कैन उसे इग्नोर करने लगता है। तो तिन उसे कॉल करता है और पूछता है कि वो उसके मैसेजेस को इग्नोर क्यों कर रहा है। कैन कह देता है कि उसने मैसेज देखा ही नहीं है। तिन कहता है कि कैन ने थोड़ी देर पहले ही अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज की है। कैन कहता है कि वो थोड़ी देर पहले वॉशरूम चला गया था, इसलिए उसने नहीं देखा होगा मैसेज। तिन कहता है कि वो तो उसे 1 घंटे से मैसेज कर रहा है। कैन कहता है कि उसे जो भी काम है वो जल्दी बताए। तिन कहता है कि क्या वो कर्ज चुकाने से पीछे हट रहा है। कैन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कैन कहता है कि उसे जो भी काम है वो बताए। तिन पूछता है कि अगर वो बताएगा तो क्या कैन करेगा। कैन हाँ कहता है। तिन कहता है कि कैन उसे रोज सुबह मैसेज करे और उसके मैसेज का रिप्लाई 1 घंटे के अंदर करे, वरना वो सोचेगा कि कैन कर्ज चुकाने से डर रहा है। कैन कहता है कि अब से वो उसे सुबह और शाम गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज करेगा। तिन कहता है कि वो अपना वादा ना भूले। तिन कॉल कट कर देता है। कैन को याद आता है कि तिन ने प्रोफाइल पिक्चर में अपनी पिक्चर लगाई हुई है, तो वो ये फोटो ले को दे सकता है। कैन लेके रूम में जाता है तो वहाँ पे कंप्यूटर में वो बॉयज की किस करते हुए पिक्चर देखकर चौंक जाता है। तभी ले वहाँ आ जाती है। ले कैन को बताती है कि वो बीएल फैन है। ले कहती है कि वो ये बात किसी को ना बताए। कैन मान जाता है। ले कैन को तिन और पीत के बारे में उसे सब बताने को कहती है, और तिन और पीत को डेट करने में हेल्प करने को भी कहती है। कैन पहले तो मना करता है, पर ले उसे धमकाने लगती है तो वो हाँ कर देता है। कैन मन में कहता है कि वो ले को कैसे बताए कि तिन उसे ही लाइक करता है। कैन अपसेट होकर रात में तिन को हॉरर वीडियो भेजकर बुरा सपना आने का मैसेज करता है। तिन वीडियो देखकर स्माइल करता है और कहता है कि आज तो उसे बहुत अच्छी नींद आएगी। अगले दिन तिन अपने मोबाइल को देखकर स्माइल कर रहा होता है, तो पीत आकर उसे कहता है कि तिन आजकल बहुत अलग लग रहा है क्योंकि वो बहुत स्माइल करता है। तिन पीत से कैन के बारे में पूछता है, तो पीत कहता है कि कैन का अगले वीक फुटबॉल प्रैक्टिस मैच है। पीत तिन को कहता है कि क्या वो कैन के कारण स्माइल कर रहा था। तिन हाँ कहता है। गुड कैन से मिलने नहीं आता है तो कैन उस पर गुस्सा हो रहा होता है। तभी अचानक से पीछे तिन को देखकर कैन चौंक जाता है। कैन पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है।
दिन कहता है कि वो स्टूपिड वाले सवाल ना करे, वो यूनिवर्सिटी में है तो वो पढ़ने ही आया होगा। कैन कहता है कि वो स्टूपिड नहीं है, बस थोड़ा सा कम स्मार्ट है और लोगों पर जल्दी यकीन कर लेता है, इसीलिए वो उसे स्टूपिड ना कहे। दिन कहता है कि कैन ब्लश करने लगा है। कैन कहता है कि वो थोड़ी देर पहले बहुत तेज धूप से आया है, इसीलिए उसका चेहरा लाल है, ना कि दिन के कारण। कैन जाने लगता है, पर दिन उसे रोककर पूछता है कि उसने रात में गुड नाइट का मैसेज क्यों नहीं भेजा था। कैन कहता है कि क्या उसे रात की वीडियो पसंद नहीं आई। कैन कहता है कि उसे तो वो वीडियो बहुत पसंद है। दिन पूछता है कि क्या उसे हॉरर मूवी पसंद है। कैन हाँ कहता है। दिन कैन से पूछता है कि क्या वो उसके साथ मूवी देखने चलेगा। कैन मना कर देता है। दिन कहता है कि वो तो कैन को अपने प्राइवेट होम थिएटर में मूवी देखने को इनवाइट करने वाला था। कैन बहुत सोचकर हाँ कर देता है। कैन बाय बोलकर जाने वाला होता है, पर दिन उसे रोककर चीक्स पर किस कर देता है। कैन चौंक जाता है। दिन कहता है कि अगली बार अगर कैन को पसीना आ रहा हो तो वो उसे पहले ही बता देता कि वो उसे किस ना करे, क्योंकि उसका फेस बहुत सॉल्टी है। कैन कहता है कि उसे थोड़ी ना पता था कि दिन उसे किस करने वाला है, और उसने तो किस करने से पहले पूछा भी नहीं है। दिन कहता है कि वो अपना इंटरेस्ट ले रहा था तो उसे पूछने की क्या ज़रूरत है। दिन क्लास के लिए चला जाता है। एक अब बर्थडे आने वाला होता है तो पीत उसे क्या गिफ्ट दे ये सोच रहा होता है। पीत सोचता है कि वो ऐसा क्या दे जो ए लेने से मना ना करे। पीत को आइडिया आता है तो वो ए के लिए अपने हाथों से लेदर का ब्रेसलेट बनाता है, जिस पे लिखा होता है फॉर यू फ्रॉम मी। कैन सो रहा होता है तो उसे टेक्नो कॉल करके कहता है कि वो उसे ट्रीट देने वाला है। कैन टेक्नो से मिलने जा रहा होता है, तभी दिन उसे कॉल करके उसके साथ लंच करने को कहता है। कैन कहता है कि वो अपने प्यारे सीनियर के साथ लंच करने जा रहा है तो वो उसके साथ लंच नहीं करेगा। दिन पूछता है कि वो कहाँ है। कैन कहता है कि वो कैंपस के ओपन मार्केट में है, जो हर फ्राइडे को खुलता है, पर ये बात दिन जैसे रिच को थोड़ी ना पता होगी। दिन कहता है कि वो उससे मिलने आ रहा है, ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। कैन कहने लगता है कि आज भी उसे दिन से मिलना होगा। कैन टेक्नो और चैम्प से मिलने आता है और उदास होकर कहता है कि वो उनके साथ लंच नहीं कर पाएगा। टेक्नो और चैम्प लंच करने चले जाते हैं, तभी दिन वहां पे आता है। दिन जेलस होने के कारण गुस्सा होता है। कैन कहता है कि वो इतनी गर्मी में इतना लेट क्यों आया। कैन उसे खाने को चलने को कहने लगता है, तभी दिन उसे रोककर चीक्स पर किस करता है और कहता है कि आज कैन ने अपना फेस वॉश किया है। कैन हाँ कहता है। दिन कहता है कि इसीलिए आज कैन ज़्यादा बेटर टेस्ट कर रहा है। कैन फूड स्टॉल से फूड खरीद लेता है। कैन से पहले दिन पे कर देता है। दोनों फूड खरीद कर आते हैं। कैन ड्रिंक लाना भूल जाता है तो दिन उसके लिए ड्रिंक लाने जाता है, तभी टेक्नो कैन को देखकर वहां पे आ जाता है और दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। दिन जब वापस आता है तो वो कैन और टेक्नो को ऐसे देखकर टेक्नो को कहता है कि वो क्या कर रहा है। दिन कैन को कहता है कि अगर उसे भूख लगी है तो वो जल्दी से आए। दिन वहां से चला जाता है। टेक्नो कैन से पूछता है कि दिन उसे घूर क्यों रहा था। कैन चला जाता है। कैन दिन को तेजी से चलते देख पूछता है कि उसे क्या हुआ है। कैन कहता है कि अगर वो इसीलिए गुस्सा है कि उसे धूप में चलना पड़ा तो वो उससे माफी मांगता है, वो तो बस उसे थोड़ा सा तंग कर रहा था। कैन कहता है कि वो उसका पसीना साफ कर देगा तो वो गुस्सा ना हो। कैन दिन के रुमाल से पसीना साफ करने लगता है। कैन मजाक करने लगता है तो दिन स्माइल कर देता है। कैन कहता है कि उसे हैप्पी लोग ही पसंद है तो वो ऐसे ही रहे। दिन पूछता है कि टेक्नो की तरह क्या उसे लोग पसंद है। कैन हाँ कहता है। कैन टेक्नो के बारे में बात करने लगता है तो दिन कहता है कि वो कैन को लाइक करता है। कैन कहता है कि उसे यह पता है तो वो उसे दोबारा क्यों बता रहा है। दिन कहता है कि वो उसे लाइक करता है, इसीलिए उसे नहीं पसंद कि कैन किसी और के क्लोज हो। कैन कहता है कि टेक्नो उसका सीनियर है। दिन पूछता है कि क्या वो उसे खुश देखना चाहता है, अगर हाँ तो वो उसे किस करे। कैन कहता है कि वो अपने स्टाइल में किस करेगा तो वो गुस्सा ना हो। कैन अपने हाथ पर किस करके दिन के लिप्स को टच करता है। दिन कहता है कि इसे किस नहीं कहते हैं। कैन कहता है कि उसे भूख लगी है तो वो जल्दी खाना खाए। दिन अपने रूम में आकर रुमाल देख कर कहता है कि अगर कैन की जगह कोई और होता तो वो बहुत गुस्सा होता। दिन स्माइल करने लगता है। कैंकला टेक्निक को कॉल करके कहता है कि उसे जो भी चाहिए वो उसे बता दे, क्योंकि अब तो वो टेक्नो को अपना बना के ही रहेगा। कैंकला कॉल कट करके स्माइल करने लगता है। पीत ए को कॉल करता है और कहता है कि क्या वो आज उससे 1 घंटे बात कर सकता है। ए पूछता है कि क्या वो ठीक है। पीत हाँ कहता है। पीत जिद करने लगता है तो ए कहता है कि आज वो इतना जिद्दी क्यों बन रहा है। पीत कहता है कि वो उससे बात करना चाहता है तो इसमें गलत क्या है।
पीत नाराज होकर कॉल कट कर देता है। ए उसे कॉल करता है तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ होता है। तभी ए की माँ आकर ए को याद दिलाती है कि कल ए को मॉन्क को मेरिट के लिए फूड देना है। ए उसका कारण पूछता है। ए की माँ कहती है कि क्या वो भूल गया कि कल उसका बर्थडे है। तब ए को समझ में आता है कि पीत उससे इसीलिए बात करना चाहता था क्योंकि वो 12 बजते ही ए को बर्थडे विश करना चाहता था। ए फिर से पीत को सॉरी कहने के लिए कॉल करने लगता है पर उसका मोबाइल ऑफ होता है। अगले दिन भी ए पीत को कॉल करने की कोशिश करता है पर वो कॉल रिसीव नहीं करता है। ओ ए को परेशान देखकर पूछता है कि उसे क्या हुआ है। ए कहता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। पॉन्ट ए को मैसेज करके बर्थडे विश करता है। ए ओ से कॉलेज जाने के लिए उसकी कार मांगता है। वो कहता है कि वो अपने बर्थडे के दिन कहाँ जा रहा है जबकि सब उसके लिए घर पे सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे हैं। ए अंदर चला जाता है। पॉन पीत को कॉल करके पूछता है कि क्या उसने ए को उसका गिफ्ट दे दिया। पीत कहता है कि अब तक वो ए से मिला ही नहीं है इसीलिए उसने गिफ्ट नहीं दिया है। पॉन पीत को ए के घर जाकर गिफ्ट देने को कहता है। पीत हिचकिचाने लगता है पर पॉन उसे मना लेता है। पीत के कॉल ना रिसीव करने पर ए परेशान हो जाता है और उसे बार बार कॉल करने लगता है। पीत कॉल रिसीव कर लेता है तो ए जल्दी से उसे सॉरी कहता है और कहता है कि वो अपना बर्थडे भूल गया था। पीत ए को सॉरी कहता है और कहता है कि उसे बच्चों की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। पीत ए को कहता है कि वो उसके घर के सामने है। ए जल्दी से नीचे आता है और दरवाज़ा खोलता है। पीत ए को बिना बताए आने के लिए सॉरी कहता है। ए उसे अंदर बुलाता है। ओ को वहाँ देखकर पीत कहता है कि वो ए को सिर्फ गिफ्ट देने आया है। ओ पीत को रात में होने वाली पार्टी के लिए रुकने को कहता है। पीत हिचकिचा रहा होता है तो ए कहता है कि उसे रुकना ही होगा। वो कहता है कि पार्टी में सिर्फ घर के ही लोग हैं तो वो आ सकता है और इम भी उसे देखकर खुश हो जाएगी। पीत मान जाता है। रात में सब ए का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। ए कैंडल्स बुझाता है। इम ए को चीक्स पर किस करती है। ए इम को चीक्स पर किस करने वाला होता है तो इम पीत को आगे कर देती है जिससे ए गलती से पीत के चीक्स पर किस कर देता है। ए की माँ पीत को रात में रुकने को कहती है। पीत पहले तो मना करने लगता है पर ए टेबल के नीचे पीत का हाथ पकड़कर उसे रुकने को कहता है तो पीत मान जाता है। ए पीत को धीरे से कहता है कि उसे इम से ज़्यादा पीत को किस करना पसंद है। इम ए के कमरे में सो जाती है तो ए उसे ओ के कमरे में छोड़ने जाने वाला होता है। पीत कहता है कि इम उनके साथ सो सकती है। ए कहता है कि वो नहीं चाहता कि इम उठकर कुछ ऐसा देखे जो उसे नहीं देखना चाहिए। ए इम को लेकर चला जाता है तो पीत ब्लश करने लगता है। पीत ए से पूछता है कि क्या वो ए को तंग कर रहा है। ए पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है। पीत कहता है कि पहले वो ए को सिर्फ दूर से देखकर भी खुश हो जाता था पर अब वो ए से रोज़ मिलना चाहता है, उससे बात करना चाहता है। ए कहता है कि अगर वो ए के बारे में सोच रहा है तो वो उसे तंग बिल्कुल नहीं कर रहा है पर अगर वो किसी और के बारे में सोचेगा तो वो ज़रूर बुरा मान जाएगा। पीत कहता है कि उसके पास ए के लिए गिफ्ट है। ए कहता है कि उसे गिफ्ट खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। पीत कहता है कि उसने खरीदा नहीं है बल्कि खुद बनाया है। ए ब्रेसलेट देखकर कुछ नहीं बोल रहा होता है तो पीत कहता है कि क्या उसे ये पसंद नहीं आया। ए उसे थैंक्स कहता है। ए कहता है कि पीत उसका बेस्ट गिफ्ट है। ए पीत को किस करता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।